नौवां आदर्श क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये हर वर्ष हमारे हवाई अड्डा पे हर वर्ष बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेला जाता है। ये तो सबसे बढ़िया है, यहाँ पर दूर दूर की टीमें आती है, हर व्यवस्थाएँ यहाँ आयोजकगण करते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि एक बड़ा अच्छा संदेश है कि बेईमानी नहीं होती, इसलिए सब दूर दूर के लोग आते हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, यहाँ देखने के लिए और खेलना। तो निश्चित है ये टूर्नामेंट अपने और चरम पर पहुँचे और आगे जाए और अच्छे खिलाड़ी भी निकले यहाँ से, हिंदुस्तान में नाम रोशन करें, IPL भी खेलें। ये मैं कामना करूँ सभी आयोजक कर और मैं खुद इसमें आयोजक हूँ। तो निश्चित है टूर्नामेंट करा के हमको यहाँ पर रानीगंज विधानसभा, हमको बड़े अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट प्रतियोगिता इतनी बढ़िया होती है इस रानीगंज में, और जो कि संदेश अच्छा जाता है और लोग कहते हैं कि वहाँ बेईमानी नहीं है, हम लोग वहाँ टूर्नामेंट खेलने चलें। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, अपने सभी विधानसभा वासियों को बधाई दूँगा, क्रिकेट के प्रति खेल के प्रति आगे जाए बढ़ें, और जो जीत के जाए उसका भी स्वागत और जो हार के जाए उसका भी स्वागत। अभी 32 टीमें आई हैं और भी टीमें आए, ये मैं कामना करता हूँ। और आप मीडिया के आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आप इसको लाइव दिखाते हैं, और निश्चित मैं इसमें सबसे कहूँगा कि आपका सब्सक्राइब बढ़िया बढ़े और एकदम आपका चैनल और आगे जाए, इसकी भी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब उद्घाटन होने चल रहा है, माननीय विधायक जी निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़ी देर में फीता कटेगा और इस टूर्नामेंट का औपचारिक रूप से उद्घाटन कटिंग सेरेमनी अभी बाकी है और विधायक जी अब चलेंगे और इस टूर्नामेंट का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। जबरदस्त तालियां। पकड़ाए ना सही क्या है आप ऑलराउंडर है कि कैप्टन साहब पूरा भूपटकान और बधाई भाई क्षेत्र दुबाही कहाँ भरा भाई में ऑलराउंडर कहाँ भरा अपना निकाल कर हमारे बीच पहुँचे और दादूपुर पूरे महान करे घरे को। अच्छा 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 वाह भाई क्रिकेटो कैप्टन में गाँव विधायक जी अब विधायक जी बोल हो गए अब चलिए अभी अब इस टूर्नामेंट में आपका ऐलान कर दिया है माननीय विधायक जी, उनको बताना चाहूंगा क्यों नहीं कहना चाहूंगा दर्शकों से ताली बजाकर माननीय विधायक जी का स्वागत करके। आइए सर आपका ये कुर्सी है आपके से राजेश सिंह जी का था, माननीय विधायक जी को माला पहना कर स्वागत करते हैं। पदक सिर्फ आदरणीय पदक सिंह चाचा जी जो इस टूर्नामेंट में माननीय बड़े भैया अशोक सिंह जी अखबार हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी का माला पहना कर स्वागत करें। बड़े भैया विष्णु उपाध्याय जी हमारे बीच में है, माननीय विधायक जी को माला पहना के स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए। हमारे बीच में
रविंद्र प्रताप भुई दहा है, पैसा होगा माननीय विधायक जी का पाल्ला उतर कर स्वागत करेंगे उनका। रिंकू पाल, रिंकू पाल जी जाएंगे अजय सिंह पूर्व का है। बाजार पर हो चुका है। भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत अच्छा दिन है जो पूरा देश आज 26 जनवरी मना रहा है और आज के दिन बसंत पंचमी का भी है। दोनों चीज हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से मना रहा है। आज के दिन हमारा आदर्श क्रिकेट प्रतियोगिता जो हवाई अड्डे पे हर वर्ष इसी समय हम उद्घाटन करते हैं और ये टूर्नामेंट आज हमने उद्घाटन किया। इस अवसर पर हमारे आयोजक अरुण पासवान जी, बलेंद्र सिंह जी, राजेश जी, मोनू जी, दीपक जी, राजेश जी, मदन भैया हमारे हमारे यहाँ पर उपस्थित राजेश सिंह प्रधान जी, सत्यम ओझा जी, हमारे जो यहाँ पर आए हैं प्रवीण यादव जी, सामने हमारे ओझा जी जो इस टूर्नामेंट को पूरे देश में दिखाने का काम कर रहे हैं, पीछे बैठे हमारे प्रधान रविंदर सिंह जी और पीछे राजू सिंह जी भी हैं, हमारे बड़े भाई संजय मिश्रा जी भी हैं, हमारे मित्र पुरी जी, नीरज जी, विनोद शुक्ला जी, कृपा गिरी जी, हमारे चाचा जी भी हैं, आमिर जी, विनोद शुक्ला जी, जय उपाध्याय जी, विजय गिरी जी, मंडल अध्यक्ष हमारे कृपा गिरी जी उपस्थित यहाँ पर, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे इस क्रिकेट प्रतियोगिता के हमारे सभी आयोजकगण उपस्थित, यहाँ पर सभी दर्शकगण उपस्थित, यहाँ पर हमारे जो टीमें दुबई और चेन्नई में खेल रही है उसके खिलाड़ीगण उपस्थित, हमारे इस पृथ्वीगंज के चौकी चार गिरीश दुबे जी उनकी पूरी टीम, आज टूर्नामेंट 26 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। टूर्नामेंट अभी अरुण पासवान जी ने बताया चार स्टेट की टीमें आई है, निश्चित है इसलिए यहाँ लोग खेलने आते हैं। एक तो इनाम भी अच्छा है, दूसरी बात यहाँ मेहमानी है और इसके कारण यह संदेश बहुत ऊंचे तक गया और निश्चित है इसलिए टूर्नामेंट अपने चरम पर हरदम पर ये मैंने देखा है कि बलेंद्र जी, अरुण पासवान जी, राजेश जी, राजू जी, सब लोग राजेश जी लगते हैं दीपक जी इस टूर्नामेंट में कराने के लिए। एक हफ्ते 10 दिन पहले थोड़ा ना अनुकूल होता है लेकिन फिर से जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तो सब भूल जाते हैं। ये टूर्नामेंट ऐसे ही हो जाता है, सब सामूहिक यहाँ के क्षेत्रवासी हमारे हैं, सब क्षेत्रवासी यहाँ सामूहिक हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं और इसी हाँ हमारे संजय जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है तो निश्चित अध्यक्ष जी है इस टूर्नामेंट के। हम लोग सब लोग मिलकर इस टूर्नामेंट को कराते हैं और बहुत आगे ये टूर्नामेंट जा रहा है और निश्चित है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित आपके मान सम्मान और टूर्नामेंट के लिए
जो भी मुझको करना पड़ेगा ये हरदम टूर्नामेंट हो उसकी मैं पूरी भरपाई करूंगा। आप चिंता मत करिएगा, आप टूर्नामेंट अच्छा कराइए और हमारा भी काम है जो सरकार की दृष्टि से होगा उसको भी आप चिंता, मेरी सरकार है योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है उसमें भी आपका सहयोग होगा और निश्चित है आपका आदर्श टूर्नामेंट ऐसे ही ऊंचाइयों पर छुए। 26 जनवरी की बहुत बधाई, बसंत पंचमी की बहुत बधाई देते हुए अपनी बात विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो चलो मैं शुरू। हेलो हेलो हेलो, निर्णायक बहुत है, मैं शुरू करा दे। जैसा कि आप सब लोगों ने माननीय विधायक जी को सुना, उन्होंने पहला ओवर लेके आए हैं राशिद और स्ट्राइक पर है राजा और नॉन स्ट्राइक पर है अशफाक। जीत के लिए 75 रन चाहिए 10 ओवरों में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। 75 रन 10 ओवरों में चाहिए सिद्ध राजा के लिए। पहली गेंद पर हल्के से पूछ करके एक रन लिया है। वाइड बॉल थी और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज आउट होने का खतरा था। छोटी सी अपील कही जाएगी, उस अपील को ना कर पाने। ग्रीन बॉल निकल दिया, डंडा गुल निकल दिया यहाँ पर राजेश भाट का। वापस पवेलियन जाना होगा, निराश कदमों से बिना खाता खोले अशफाक को पवेलियन की तरफ।